गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने हिंदी की पिछली कक्षा में बड़ी ई से ईक लिखना सीखा था। आज हम नेक्स्ट स्वर जो लेंगे वो है छोटा ओ से उपहार, छोटा ओ से उल्लू, छोटा ओ से उपवन। उपवन मतलब गार्डन। तो देखिए, छोटा ओ हमने पहले भी जब हमने अ बनाया था तब हमने आपको सबसे पहले ये ही बनाना सिखाया था। इसमें हम राइट साइड कर्व, दो कर्व्स बनाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो ये बन गया छोटा ओ से उल्लू। इसके लिए अब हम पहले फोर डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने अ बनाने के लिए बनाए थे उसी तरह से फोर डॉट्स बनाएंगे 5 लाइंस की कॉपीज में ब्लैक लाइन पे। ये देखिए 1 2 3 4। कॉपीज में फोर डॉट्स बनाएंगे और उसके बाद हम पेंसिल से छोटा ओ लिखना शुरू करेंगे। ये डॉट, ये कर्व्स बनाए और ऊपर स्लीपिंग लाइन, छोटा ओ, छोटा ओ से उपहार बोल के लिखेंगे, छोटा ओ से उपवन, छोटा ओ से उल्लू। ये बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए आपके लिए बहुत इजी है बनाना। सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी में छोटा ओ से उपहार लिखने का अभ्यास करेंगे। कर्व्स बनाएंगे तो राइट हैंड साइड और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, छोटा ओ से उपवन, छोटा ओ से उपहार। तो आज सभी बच्चे छोटा ओ लिखने का अभ्यास करेंगे और अपने मैम को अपने वीडियोस भेजेंगे। धन्यवाद। आज हम हिंदी की कक्षा में पालतू जानवरों के नाम याद करेंगे। पालतू जानवर कौन होते हैं? पालतू जानवर वे जानवर होते हैं जिन्हें लोग अपने घर में पालते हैं। तो आइए देखिए, बकरी, घोड़ा, बिल्ली, गाय, खरगोश,